5 सेकेंड, 2 सेकेंड, रेडी। सभापति महोदय, सरकार ने कई कृषि फार्म खोले हैं, क्या ये फार्म घाटे में नहीं चल रहे हैं? अगर तमाम खर्च जोड़ दिए जाएं, बड़े बड़े अफसरों की तनख्वाहें जोड़ दी जाएं, तो पता चलेगा कि तमाम ये कृषि फार्म घाटे में चल रहे हैं। क्या इसी तरह से आप तमाम किसानों को घाटे पर खेती करने के लिए मजबूर करेंगे? जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वहाँ एक पुल बना है, मैंने 10 वर्ष तक अपनी असेंबली में इस पुल के लिए कोशिश की है। जिस दिन से मैं यहाँ आया हूँ बराबर उसकी चर्चा करता आ रहा हूँ, बराबर कोशिश कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि गंगा पर एक पुल बने, उस पुल को बनाने का आश्वासन भी मिला था। एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जवाब दिया गया था, यह कहा गया था कि इसको हाथ में लिया जाएगा। अब मालूम हुआ है कि उस स्कीम को उठाकर ताक पर रख दिया गया है और यह पुल नहीं बनेगा। इन लोगों ने क्या कसूर किया है, यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हमारे क्षेत्र के लोगों ने पाकिस्तान की लड़ाई में सरकार की हर तरह का सहयोग किया था, हर तरह की सहायता दी थी। हमारे यहाँ के नौजवान भी मोर्चे पर जाकर डटे। जिस समय पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध चल रहा था तो कहीं कोई बात नहीं थी, अन्न की कमी कहीं नहीं थी। अन्न की कमी भी हमारे विरोधी साथी पैदा करते हैं, जो यह चाहते हैं कि सरकार फेल हो जाए। ये लोग जो देश के बड़े बड़े शहरों में दंगे करवाते हैं, दूसरी तरफ हम हैं जो कि इनकी बातों को नहीं समझ पाते। इनको तमाम वे लोग मिल जाते हैं जो बेकार होते हैं या जो दंगे करवाने के लिए उत्सुक हैं। इसलिए सरकार का इन तमाम चीज़ों की तरफ ध्यान जाना चाहिए और उसको सोचना चाहिए कि क्या तरीका इन सबसे बचने का हो सकता है। एक ही तरीका हो सकता है कि इस देश में हर आदमी को काम मिले, देहात में लोगों को करने के लिए काम मिले, और खादी कमीशन की जो योजना है और जो कि एक अच्छी योजना है वह ठीक तरह से चले। सौभाग्य से मैं ऐसे संगठन से संबंध रखता हूँ जिसने स्वाधीन भारत में पूर्व अंग्रेजी राज्य के समय में इस कार्य को अपने हाथों में लिया था। इसी सदन के माननीय सदस्य जानते हैं कि हमारे देश में 1857 से आर्य समाज इस कार्य को कर रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री को देश की आर्थिक स्थिति और गरीबी के संबंध में जितनी जानकारी होती है उतनी किसी अन्य मंत्री को संभव नहीं होती। बजट बनाते समय वैसे तो बजट में आय व्यय का ब्यौरा होता ही है, लेकिन बुनियादी तौर पर देश की आर्थिक नीतियों में किस प्रकार का परिवर्तन हो तथा किस मार्ग पर वह देश को चलाना चाहते हैं, सरकार का लक्ष्य क्या है, इन सब नीतियों का बजट में जिक्र होता है। हमारे वित्त मंत्री चाहे जिस पद पर भी रहे हों, चाहे वे मुख्यमंत्री रहे हों या केंद्रीय सरकार में रहे हों, उन्होंने शानदार काम किया। जिस समय उन्होंने बजट पेश किया उस समय देश को और ख़ास तौर से गरीबों को उनसे बहुत सी आशाएं थीं। देश में लगभग 6 लाख गांव हैं, उनमें जो बेरोजगारी है, गरीबी है, उसके संबंध में देश की जनता को उनसे बड़ी आशाएं थीं और जनता देखना चाहती थी कि इस अवसर पर सरकारी नीतियों के द्वारा देश को वे क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं।
इस दृष्टि से तीन महत्वपूर्ण बातें इस समय देश के सामने थीं। देश का आर्थिक विकास तेजी से हो, अधिक लोगों को काम मिल सके और मूल्यों में स्थिरता आए। जहाँ तक इन तीन उद्देश्यों का संबंध है, हमने देखा कि उस ओर कुछ प्रयत्न हुए हैं, खास तौर से गरीबी हटाओ के संबंध में। इस देश में जो चर्चा चल रही है, इस बजट में कुछ हद तक उसका उल्लेख मिलता है, क्योंकि जितने भी प्रत्यक्ष कर लगे हैं वे ज़्यादातर धनी लोगों और ख़ास तौर से शहर के लोगों पर लगाए गए हैं। इस तरह से जो एक प्रकार की आर्थिक असमानता हमारे देश में चल रही है, उसको दूर करने का प्रयत्न अवश्य किया गया है। 1957 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय देश में जितने सरकारी कर्मचारी थे, वे ऐसा समझ बैठे थे कि अब तक देश में जिस तरह से अंग्रेज़ों का प्रशासन चल रहा था, उस तरह से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कांग्रेस के जो नए लोग आए थे, जो मंत्री बने थे, वे लोग धन के मामले में त्यागी आदमी हैं। धन से उनको मोह नहीं है, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि हमारे मंत्री लोग भी उसी तरह से शानदार जीवन पसंद करने लग गए जिस तरह से अंग्रेज करते थे। उपाध्यक्ष महोदय, तब उन लोगों को कुछ उम्मीदें हुई कि हम लोग भी उसी तरह चल सकते हैं जिस तरह से पहले चल रहे थे, लेकिन अभी हाल में जो चुनाव हुआ, उससे देश के धनिकों के मन में बड़ा संदेह पैदा हुआ कि इस चुनाव के बाद उनकी स्थिति वैसी नहीं रहेगी जो अब तक चली आती रही है। गरीबों और अमीरों के बीच में अब तक जो बहुत बड़ा फर्क चला आ रहा था, उसको अब तेज़ी से दूर करने का प्रयत्न किया जाएगा। श्रीमान, मैं आपको बताऊंगा और मैं आपका बहुत ही आभारी हूं जो आपने सदन में 1992-93 के बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया है। मैं इस बजट का समर्थन करना चाहता हूं। श्रीमान, मैं सबसे पहले अपने दल के नेता प्रधानमंत्री को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में देश में कांग्रेस दल को स्पष्ट बहुमत मिला और इसके फलस्वरूप यहां पर केंद्र में एक ऐसी सरकार का गठन हुआ जो कि देश में वास्तव में समाजवाद लाना चाहती है। मैं वित्त मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में जनता द्वारा कांग्रेस दल को जो आदेश दिया गया था, उन्हें स्मरण है और वह तन मन धन से उसका पालन करना चाहते हैं। वह आदेश था देश में सामाजिक और आर्थिक विषमता दूर करने का, देश से गरीबी, बेकारी और बेरोजगारी को हटाने का और देश के जो पिछड़े हुए हिस्से हैं उनका पूरा विकास करने का। साथ ही साथ इस बात का भी आदेश था कि देश के अंदर इस प्रकार की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पैदा की जाए जिसके अंतर्गत जनता शोषण से मुक्त हो सके। श्रीमान, यह ठीक है कि देश में कृषि के क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि हुई है, परंतु इसके साथ ही साथ यह भी दृष्टि में रखना चाहिए कि लागत में भी पूरी वृद्धि हुई है। इसके लिए आवश्यक है कि सिंचाई के साधन बढ़ाए जाएं और अधिक उन्नत बीजों का प्रयोग किया जाए। आज कृषकों को कृषि के यंत्र मिलने में बहुत कठिनाई हो रही है, जैसे छोटे छोटे ट्रैक्टरों का देश में बड़ा अभाव है। उनके बनाने के लिए शीघ्र नए कारखाने खोलने चाहिए जिससे कृषकों को जल्द से जल्द ट्रैक्टर मिल सके। हमारा ऐसा विश्वास है कि अगर ऐसी व्यवस्था सरकार की तरफ से हो जाए
तो इस समय देश के जो उद्योग कृषि के क्षेत्र में हैं उनकी उत्पादन क्षमता में दुगनी वृद्धि संभव हो सकती है। गन्ने की खेती की स्थिति भी बहुत गंभीर है।